हाँ जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो से लेके आ गया। सर रोज आप बच्चे रोज रोज कहेंगे कि सर रोज आ जाते हैं, आपके लिए तो रोज आना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ करना है, तो आपको हम जो कुछ देना चाहेंगे उस चीज को आपको कवर करना पड़ेगा, हर चीज को सीखना पड़ेगा। जिंदगी क्या चीज है? जिंदगी कुछ नहीं है, जिंदगी सिर्फ अपने को सिखाती है। क्या चीजें, कहां से, कैसे, किसको ऑब्जर्व करना है, किन चीजों को लेकर चलना है, वो लाइफ के पैटर्न है। और लाइफ के पैटर्न हमेशा साथ चलते रहेंगे, कहीं ना कहीं चलते रहेंगे, किसी ना किसी वे में चलते रहेंगे, किसी ना किसी रूप में चलते रहेंगे। और इसी वे, इसी रूप, इसी जिंदगी के साथ हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ टकराते रहेंगे। तो ये जिंदगी है, जिंदगी अपने को सिखाती है जिंदगी में ऑब्जर्वेशन क्या करनी चाहिए, जिंदगी में क्या क्या सीखना चाहिए। हाँ जी, तो नाउ वेलकम, आपका स्वागत है उससे दूसरी वीडियो में। पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये चीज मेंशन करवाई कि आप हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कैसे करोगे। उसके अंदर मैंने आपको 11 पॉइंट दिए। उस 11 पॉइंट के अंदर हम इस चीज को जानेंगे कि उसमें क्या क्या था। सबसे पहले हमारा ग्रीटिंग का पॉइंट आ रहा था, फिर उसके बाद थैंक्स पॉइंट आ रहा था, फिर उसके बाद नेम पॉइंट आ रहा था। ऐसे ही सेम टू सेम हमारे जो 11 पॉइंट है, ऐसे ही वन बाय वन मैं आपको सारा मेंशन करवाऊंगा, ताकि अपने को ये ध्यान रहे कि मैंने इंट्रोडक्शन किससे सीखा है, हमारे इंग्लिश वाले सर से। तो आइए स्टार्ट और शुरुआत करते हैं टिप की। कहता है कि इसके अंदर मैं आपको छोटी छोटी टिप्स देना चाहूंगा, छोटी छोटी बातें बताना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे देखो इंग्लिश क्या चीज है। वैसे तो मैं आपको कहता हूं कि इंग्लिश कुछ भी नहीं है, इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ अपना एनवायरमेंट है। हम जिस एनवायरमेंट के अंदर रहना शुरू कर देते हैं, उसी एनवायरमेंट के अंदर इंग्लिश आनी शुरू हो जाती है। अगर मान लीजिए हम इंग्लिश के एनवायरमेंट में रह रहे हैं, तो साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 3 साल तक आते आते हम इंग्लिश के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब हम मोस्ट ऑफ देखते हैं कि फॉरेन के लोग होते हैं वैसे इंग्लिश बोलते हैं। हाँ ठीक है, एनवायरमेंट है। अब हम ज्यादा दूर नहीं जाते, हम किसी मल्टीप्लेक्स सिटीज में चले जाएंगे, बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर चले जाएंगे, तो वहां भी ऐसा लगता है कि वहां के बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड इंग्लिश, फिर उसके बाद पेरेंट्स इंग्लिश, फिर उसके बाद चिल्ड्रन इंग्लिश। कहने का मतलब ये कि जहां से उसकी शुरुआत हुई, शुरुआत अगर अच्छी हो जाती है तो इंग्लिश ईजी हो जाती है। तो वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुरुआत अगर अच्छी हो जाती है तो इंग्लिश अच्छी हो जाती है, शुरुआत अगर अच्छी हो जाती है तो इंग्लिश अच्छी हो जाती है। तो इसलिए बिफोर द इंटरव्यू, आप अगर किसी तरीके से किसी इंटरव्यू पे गए, तो इंटरव्यू पे सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट आता है ग्रीटिंग्स। अब ग्रीटिंग्स के अंदर क्या है, जैसे ही आप इंटरव्यू पे जाते हो, जाने का मतलब जैसे मैंने कहा था कि आपके पास एक फोन आया, आपके पास एक कॉल आया, उस कॉल के अंदर आपको उन्होंने बुलाया कि हाँ जी आज आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए आप रेडी रहिए, आज आप आ सकते हो इंटरव्यू के लिए। जैसे ही आप इंटरव्यू की लोकेशन पर पहुंचे, लोकेशन पर पहुंचते ही सामने आपको कोई रिसेप्शन पर कैंडिडेट या पर्सन बैठा मिला, तो उसको आपने अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया, थोड़ा सा ग्रीटिंग बता दिया कि क्या, हेलो मैम, सर, या कोई भी सामने हो सकता है, उसको आपने बोला कि माई नेम और आई एम सनी, कि मैं, मतलब ये सनी मेरा नाम है, शॉर्ट नेम है। तो कहने का मतलब मैं मेरे नाम के अकॉर्डिंग आपको सारा कुछ उसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप अपना नाम यहां पे मेंशन कर सकते हैं। आई एम सनी, आई हैव एन इंटरव्यू एट 12 noon फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, सेल्समैन या सेल्स मैनेजर, या कोई भी पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप गए हो इंटरव्यू देने के लिए, उस पोस्ट का नेम लीजिए। अब आपने ऑटोमेटिकली इसको ये बात बोली, हेलो यहां पे कोई सर बैठा है या यहां पे कोई मैम बैठे हैं, उनको आपने सर या मैम का एक नेम दिया, आई एम सनी, कि मेरा नाम ये है, आई हैव एन इंटरव्यू, आज मेरा इंटरव्यू है एट 12 noon, 12 बजे, फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, सेल्स मैनेजर या ATC, किसी भी पोस्ट के लिए आप जाते हो, तो सबसे पहले आप अपना ग्रीटिंग देते हो, और ग्रीटिंग के अंदर आप ये बात बोलते हो कि मेरा नाम ये है और मेरा आज इंटरव्यू है और इस पोस्ट के लिए। फिर जो आगे का रिसेप्शन का एरिया होता है, वो मैनेजर को या मतलब जो उनके ओनर हैं उनको जाके बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करके ये कैंडिडेट आए हैं और वो अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं। ठीक है जी, अब इंटरव्यू के टाइम आप अंदर चले गए, उस टाइम आपने उनको थैंक देम बोला। थैंक देम बोलने का मतलब है कि आपने उनको तसल्ली दी, उन्होंने आपको तसल्ली दी कि आप अपने बारे में वेरवा दे सकते हो। वेरवा मतलब कि आप अपने आप को अब इंट्रोड्यूस कीजिए,
पहला पॉइंट आपका यहां निकल के सामने आया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। आपने उनको ये बात बोली कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात कहना चाहता हूं कि थैंक यू वेरी मच, कि आपने उनको थैंक यू बोला किस चीज के लिए, फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, कि आपने मेरे को एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी दी है टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, कि आपने ये बात बोली टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, कि आपने मेरे को छोटी सी अपॉर्चुनिटी दी है, उस अपॉर्चुनिटीज का मैं आपको एक ग्रीटिंग देना चाहता हूं और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, उस बात के लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूं। या उसके अलावा आप नॉर्मली अगर ये बात ना बोलकर दूसरे वे में ये बात बोल सकते हो, थैंक फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। अगर आपने इतनी लंबी बात नहीं बोलनी, आपने सिंपल एक बात रखनी है, थैंक्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, कि आपने बोल दिया कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है। फिर अगर आपने इस तरीके से बोलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी ऐसे अच्छे इंटरव्यू पे गए हो जहां आपको ये चीज लगती है कि आपने इस बात को रखना है तो इस बात को रख सकते हो, जहां आपको लगता है इस बात को रखना है तो इस बात को रख सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट आता है, उस तीसरे पॉइंट के अंदर आपको ये बात बोली गई, तब आप अपने बारे में अपना नेम बताते हो, और नेम इन द सेंस कि आप ऐसे बोलोगे, नेम कई तरीके से बोला जाता है, कई तरीके से मतलब आप मोस्ट ऑफ अगर कई कभी कभार बच्चा गलती कर देता है, माई सेल्फ डैश डैश डैश, ये सबसे बड़ी गलती होती है, गलती मतलब आप इसको माने माई सेल्फ का यूज नहीं किया जाता, या आप नॉर्मली बोल सकते हो आई एम, कि मेरा नाम ये है, या ये मैं हूं, आई एम सनी, कि मेरा नाम सनी है, या नॉर्मली बोल सकते माई नेम इज सनी, माई नेम इज सनी, आप नॉर्मली दो तरह से बातों को रख सकते हो, कि आई एम सनी, कि मैं सनी हूं, और माई नेम इज सनी, तो दूसरी बात ये रख सकते हो माई नेम इज सनी। फिर उसके बारे में आप अपना फुल नेम कोई देना चाहते हो, फुल नेम का मतलब आपके पास कोई ऐसा ज्यादा कोई बड़ा नाम है, जैसे मान लीजिए मेरा शॉर्ट नेम है तो मैंने शॉर्ट नेम के अंदर एक बात रख दी, अगर किसी बच्चे का कोई बड़े बड़े नाम होते हैं 10-10, 15-15 नाम इकट्ठे जोड़ रखे होते हैं, अगर कोई बच्चा वो 10-15 नाम इकट्ठे जोड़ना चाहता है तो उस तरीके से भी लिख सकता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के अंदर देखिए, माई नेम इज अंकित कुमार सेठी, या एक्स वाई जेड अंकित कुमार सेठी, जब आप अपना कोई ऐसा नाम देते हो जो दो तीन वर्ड से मिलकर बनता है नाम, तो ऐसे नाम भी लिख सकते हो। तो यहां पे आप लिखोगे माई नेम इज या आई एम, तो इस तरह की जो बातें होती हैं वो इंट्रोडक्शन के अंदर नेम के अंदर रखी जाती हैं। डोंट से माई सेल्फ, अब आप माई सेल्फ का यूज नहीं करोगे, क्योंकि माई सेल्फ अपने आप में एक किसमें यूज किया जाता है, प्रोनाउंस में यूज किया जाता है, इसलिए। तो ऐसे ही जो बाकी की जो इसमें पार्ट बचते हैं वो आपको मैं अगली और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो